हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 20 स्पेशल वर्ड्स जो आपके स्पोकन एंड आपके एग्जाम में दोनों जगह हेल्प करने वाली है। ये पर्टिकुलर सीरीज जो आपके साथ यूट्यूब पे अभी हम इस डिस्कस कर रहे हैं, ये सेम सीरीज हम आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज सुबह के 8:30 बजे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग डेली बेसिस पे सुबह 8:30 बजे मेरे साथ सेम सीरीज को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स 100 वर्ड्स एवरी डे, महीने में लगभग 2500 से ज्यादा वर्ड्स मैं याद कराता हूँ दोस्तों, और वो भी क्विज के फॉर्मेट में होता है। इस पैटर्न पे तो इजिली लर्न भी हो जाता है, बच्चे को मजा भी आता है। एक बार आइएगा जरूर। कैसे क्या ज्वाइन करेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस, दिस इज ऑल अबाउट मी इन 3 लाइंस। आई एम प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हैविंग 9 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक SSC, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये रेगुलर मेरी क्लास जो चलती है दोस्तों, देख लीजिए, सुबह के 7:15 से एडिटोरियल से शुरू करता हूँ और रात को 9 से 10 के स्लॉट तक पढ़ाता हूँ। दोस्तों पहला वर्ड है स्टडी, एडजेक्टिव है, सॉलिड या ड्यूरेबल इसकी मीनिंग होती है। स्टडी मतलब होता है मजबूत या दृढ़। याद करने की ट्रिक है स्टडी, तो आप कह सकते हैं कि स्टडी इंसान को स्टडी बनाता है। अगर आप स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आप मजबूत बनोगे, दिमाग आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो स्टडी करने से इंसान स्टडी हो जाता है, इंसान का फ्यूचर स्टडी हो जाता है ना, इंसान की जो फैमिली है वो भी स्टडी हो जाती है, सब कुछ मजबूत हो जाता है। सेकेंड वर्ड है सबमिसिव, मींस होता है कंप्लाइंट या ओबीडियंट, जिसको विनम्र या आज्ञाकारी कहते हैं। सबमिसिव को सबमिस से याद रखिए कि उसकी सबमिस बहुत ही सबमिसिव है, या तो आप कह सकते हैं सबमिसिव सबमिस। कोई फंक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही याद किया जाता है अगर वो नहीं होते हैं तो आप कहते हैं, वहां पे पूछते हैं कि मुझे भी कोई वहां पूछ रहा था तो वहां पे सुनने में आता, हाँ सभी पूछ रहे थे, सब मिस कर रहे थे आपको, सब मिस कर रहे थे आपको, सब मिस कर रहे थे, कह रहे थे वो बंदा कहाँ है जो सबसे ज्यादा सबमिसिव है, विनम्र है, आज्ञाकारी है। तीसरा वर्ड है स्टबर्न, मींस होता है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी जिसको कहते हैं, अड़ियल टाइप का होता है ना उसको कहते हैं स्टबर्न। स्टूडेंट बर्न से याद रखिए, स्टूडेंट जो बर्न हुआ है वो बहुत ही स्टबर्न है। एक बच्चा अपनी शरारत की वजह से थोड़ा सा जल गया उंगली में, तो किसी ने कहा भैया कौन ज्यादा शरारती है, तो बोले स्टूडेंट जो बर्न हुआ है सबसे स्टबर्न वही है ना, यानी अड़ियल है। गाइस डोसाइल मींस होता है बहुत ही विनीत होना, तो डोसा बनाने वाले आप कभी देखिए जो रेस्टोरेंट जो फूड स्ट्रीट फूड में होते हैं, तो डोसा बनाने वाले जो होते हैं या बेचने वाले जो होते हैं या वेटर होता है सर्व करने वाला डोसा, वो बहुत डोसाइल होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, हम्बल होते हैं, सबमिसिव होते हैं। अच्छा वर्ड है नेक्स्ट है सफल, एडजेक्टिव है, बेंडेबल इसकी मीनिंग है दोस्तों, हिंदी में इसको कोमल कहते हैं। सफल को सफल से याद रखिए कि सफल होने के लिए आपको थोड़ा सफल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, एकदम तने हुए इंसान सफल नहीं होते। जहां पे आपको लगे कि इनसे आपको सीख सकते हैं उनके सामने आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तो सफल होने के लिए सफल होना जरूरी है। नेक्स्ट एफ्लुएंट मीन्स होता है दोस्तों वेल्दी, तो आप फ्लू फैलेगा सारे डॉक्टर एफ्लुएंट हो जाएंगे, पता है ना, जैसे कोरोना फैला सारे हॉस्पिटल्स अमीर हो गए, अब फ्लू फैलेगा सारे हॉस्पिटल्स एफ्लुएंट हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। बेनेवोलेंट मींस होता है परोपकारी, बेनेवोलेंट बने भोले बाबा बहुत ही बेनेवोलेंट है, हमारे बने हुए भोले बाबा जी हैं ये, बहुत ही बेनेवोलेंट है, बहुत ही परोपकारी है, बहुत बढ़िया है, हाँ। नेक्स्ट है लेजिटिमेट मींस होता है ऑथेंटिक, जिसको वैलिड कहते हैं, जो उचित है उसको कहेंगे, तो लेजिटिमेट लेडी का मेट, तो कह सकते हैं इस लेडी का मेट बहुत ही लेजिटिमेट बातें करता है, उचित बातें करता है, कोई फर्जी बातें नहीं करता, इस लेडी का मेट जो है क्लासमेट बहुत ही लेजिटिमेट बात करता है। फिक्टिशियस मींस होता है अनट्रू, मेड अप, जो केवल बनाया हुआ है, काल्पनिक है, तो फिक्टिशियस को 50-50 से याद रखिए, 50-50 नहीं हुआ, बहुत ही फिक्टिशियस है वो कह रहा था कि हाँ सब कुछ बराबर बराबर हो गया है लेकिन नहीं हुआ ऐसा, झूठ बोल रहा है वो, झूठा है वो, फिक्टिशियस है, झूठ बोल रहा है, 50-50 नहीं हुआ, उसने 90 लिया मुझे 10 ही दिया। जक्स्टापोजिशन मींस होता है एडजेसेंसी, जक्स्टापोजिशन जस्ट बगल की पोजीशन, जस्ट बगल की पोजीशन में रखा है, यानी वो आपके जस्टापोजिशन में रखा है, जस्टापोजिशन दैट मींस आपके करीब होना, एडजेसेंसी में होना। प्रॉक्सिमिटी मींस होता है नियरनेस टू समथिंग, किसी चीज के करीब, प्रॉक्सिमिटी पूरा समिति, पूरा समिति हमारे प्रॉक्सिमिटी में रहता है, बोले ये समिति के लोग कहाँ पाए जाएंगे, बोले टेंशन मत लो, सब मेरे प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, सब मेरे आसपास ही रहते हैं, निकट ही रहते हैं। रिमोटनेस मींस होता है दूरी, आप देखो टीवी का रिमोट होता है, हाँ जी दूर से ही आप चला देते हो ना, टीवी हो गया एसी हो गया, रिमोट जो है दूरी से ही, रिमोटनेस से ही चीजों को ऑन कर देता है ना, ऑन कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट मींस होता है प्रिवेंट करना, बाधा डालना, तो अब ट्रक सामने आके खड़ा कर दिया इन्होंने,
हमारे रास्ते में बाधा डालने के लिए कि हम जो है ऑफिस ना पहुंच पाए। अब ट्रक लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया, वो ट्रक हमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बाधा डाल रहा है हमारे रास्ते। इंस्ट्रक्ट का मतलब तो इंस्ट्रक्शन, आदेश देना होता है, दैट्स अ वेरी सिंपल वर्ड। कहते हैं ना इंस्ट्रक्शन, उधर से हाई कमांड से इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, हाई कमांड से ऑर्डर आया हुआ है, तो इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है ऑर्डर देना, ये इन्फॉर्म करना। हैसेन मीन्स होता है दोस्तों जल्दी 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 करना किसी चीज को। हैसेन को हैसे से याद रखिए कि हंसे नहीं, थोड़ा हैसेन हैसेन करें। जैसे कहीं पे जाना था, बारात निकलनी थी, महिलाएं बैठी हैं, मेकअप कर रही हैं, हंस रही हैं, और चाची और भौजी और दीदी और काकी पतियाएं पड़ी हैं, हंस रही हैं, अरे थोड़ा हैसेन करो, जल्दी निकलना है, 6 बजे बारात निकलने का टाइम बोला है हमने कि 7 तक पहुंच जाएंगे, तो हंसे नहीं, थोड़ा जल्दी करें। सस्पिशियस मीन्स होता है डाउटफुल यार। सस को सास से याद रखिए कि सास को हमेशा अपने अपनी बहू पर कुछ ना कुछ सस्पिशियस ही रहता है। जैसे बहुत सारी सास हैं, अभी कल धनतेरस था, हाँ बहुत सारी सास ऐसी होंगी जो पूछेंगी अपनी बहू से कि अरे बिटवा का लाया तुम्हारे लिए, कुछ लाए? तो बोलेंगे नहीं अरे का लाया, तो चम्मच एड गिलास एड घंटी यही सब खरीद के लेके चले, बताती थोड़ी ना का लाया हमारे लिए झुमका उमका वाला। तो वो उनको शक रहता है कि कहीं कुछ महंगी चीज तो नहीं ला के दी है हमको ना बताया मम्मी को। सास को हमेशा बहू पर सस्पिशियस ही रहते हैं, डाउट रहता है। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है गैदरिंग ऑफ किसी भी चीज का, गैदरिंग होना यानी उसका जमा होना। तो एक्यूमुलेशन, एक्यूम को मतलब हो गया कि इतना कम आपने क्यों एक्यूमुलेट किया हुआ है, करके दिया है, मतलब जमा हो या संचित करना गया। गाइस हुडलम्स, हुडलम्स मीन्स होता है गैंगस्टर्स, गुंडा वगैरह। तो हुडलम्स हुड़हुड़ दबंग दड़बंग हुड़हुड़ दबंग, बहुत ही दबंग आदमी है, गुंडा है, ऐसे करके याद रखें। गाइस श्रब्स मीन्स होता है बुश या झाड़ी। श्रब्स को श्राप से याद रखें कि वो अभी होली आएगा भाई साहब, यकीन मानो लोग अपने घरों से ज्यादा झाड़ियों में नालियों में कुत्ते के साथ लेटे हुए, पिग उसके मुंह को चाट रहा है, कुत्ता मुंह चाट रहा है, ऐसे जगह पे आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे। अब देख लेना आउटर में जाके कभी, तो जब आदमी शराब पी लेता है ना होली में, ज्यादातर लोग पीते हैं, तो शराब पीने के बाद आदमी क्या होता है श्रब्स में पड़ा हुआ मिलता है, झाड़ियों में पड़ा हुआ मिलता है। लास्ट वर्ड है प्रोमिनेंट, गाइस एडजेक्टिव है मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है या फेमस, ठीक है। तो प्रोमिनेंट, प्रोम प्रोम को प्रिया से, मिनेंट मीना से, प्रिया और मीना एक दूसरे के लिए बहुत प्रोमिनेंट है ना, कोई ऐसा काम है जो दोनों के साथ में होने से ही हो सकता है, तो प्रिया और मीना मेरे लिए या एक दूसरे के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये 20 वर्ड्स? मजा आया, ट्रिक्स जबरदस्त थी। इसी प्रकार के ट्रिक्स वाला सेशन मैं अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, लिख लो आप लोग UNACADEMY, अनअकैडमी लर्नर ऐप, इस ऐप पर डेली सुबह 8:30 बजे पढ़ाता हूँ, 100 वर्ड्स याद कराता हूँ, 100 वर्ड्स, और ये डेली है साथियों, सातों दिन चल रहा है ये चीज़। लगभग 2500 से ज़्यादा वर्ड्स पूरे महीने में याद हो जाते हैं, 4 महीना देख लिया तो भाई साहब 10,000 से ज़्यादा वर्ड्स आपको याद करा दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। और 4 ही महीने देखना चाहिए जनरली बच्चे को, ताकि वो 100% एग्जाम के सारे वर्ड्स करना सीख जाए। फ्री है ये, एक पैसा नहीं लगेगा, बस आपको एक काम करना है इसके लिए, ये 10,000 वर्ड्स सीखने के लिए 100 वर्ड्स डेली आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, लॉग इन करना है, संदीप केसरवानी नाम सर्च करके प्रोफाइल फॉलो करनी है, SANDEEP केसरवानी, KESARWANI। आपसे इनवाइट कोड जरूर मांगेगा अगर आप पहली बार ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इनवाइट कोड लगाना है आपको संदीप 12, SANDEEP। ये कोड लगा दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए ये 10,000 वोकैबुलरी जो 4 महीने में आपको होगी, PDF भी मिलेगा और ये ट्रिक्स के साथ क्लास भी मिल जाएगी। मेरी प्रोफाइल पे जाना तो स्पेशल क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन ख्याल रखें इनवाइट कोड जब मांगे तो कोड जरूर लगाना, अदरवाइज भी बाद में आप कहेंगे सर आपकी क्लास नहीं मिल रही है, तभी नहीं मिलती जब आप कोड नहीं लगाते हो। तो संदीप 12 इनवाइट कोड लगा के मेरी प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लेना और स्पेशल क्लास में देखना 8:30 बजे। इवन आप आज से ही शुरू कर सकते हो या कल से शुरू कर लो, चॉइस इज योर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इसी बैच के बारे में अभी बात कर रहा था, वो कैब विथ ट्रिक्स, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा गाइस फ्री बैच के अलावा पेड बैच भी बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार ठीक है अब अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए हो गया, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर आपको इंग्लिश के साथ अदर सब्जेक्ट्स भी चाहिए होते हैं। इंग्लिश का 100% आपको सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी, जिम्मेदारी नहीं, मेरी गारंटी है ये कि आपको इंग्लिश का 100%, दैट मीन्स एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना पेपर देने के बाद, आप कहोगे पेपर बहुत आसान था, ये शब्द आपकी जुबान से निकलवा लूंगा, इतनी मेरा दावा है इस बात का, क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन सबके साथ ये चीज़ हो रहा है, पेपर आसान होने लगने लगता है कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, कम से कम 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़िएगा प्लस बैच में, सारी चीज़ें मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी है, और केवल प्रीलिम्स नहीं हम मेंस और डिस्क्रिप्टिव तक साथ देते हैं इसी सब्सक्रिप्शन में, तो कोशिश करें
आज ही सब्सक्रिप्शन लें संदीप 1-2 लगा के, कोई भी कैटेगरी हो, किसी एक नहीं, आबान एकेडमी पर जो भी सब्सक्रिप्शन है इसी कोड से लें संदीप 1-2 से, और दूसरे को भी रेकमेंड करें। तो प्ले स्टोर पे आन एकेडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें, ये ऐप इस प्रकार से ही होगा, लॉग इन करें, आप अपने गोल को सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाएं, कोड वाली जगह पे संदीप 1-2 लिखकर अप्लाई जरूर करें। इस अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट होगा, फिर 24 महीने की वैलिडिटी पर क्लिक करके प्रोसीड टू पे करें और फिर पेमेंट कर लें। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए ईएमआई करा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो आज ही इस मौके को जाने मत दीजिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसी ऐप पर रिपोर्ट एंड विन के ऑप्शन पे जाकर आप जो है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट करके इनाम भी जीत सकते हैं दोस्तों। तो आज ही इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन जिन क्लासेस के बारे में आपको बताया उसमें जो भी आपको जरूरत हो उन क्लासेस का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच।